इस वीडियो के अंदर इस ट्रांसमीटर का रेंज टेस्ट करेंगे। रेंज का मतलब पावर और रेंज। तो चलिए दोस्तों मैक्सिमम इसका रेंज टेस्ट करते कितना रेंज अपने ड्रोन को प्रोवाइड कर सकता है। भाई देखो मैक्सिमम ये ट्रांसमीटर कम रेंज प्रोवाइड कर सकता नहीं है, बहुत हाई रेंज प्रोवाइड आपको कर सकता है ओनली 2-3 हज़ार रुपए में, समझे ना दोस्तों। तो वीडियो का एंड तक अभी तक लाइक कर दो, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब और लाइक कर दो प्लीज। ओके चलिए शुरू करते हैं। फाइनली मैं ड्रोन में आ चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ मेरे ड्रोन का पावर और रेंज। दोस्तों यहाँ पे मेरे ड्रोन को टोटली ऑन कर चुका हूँ, इसको फ्लाई करेगा। चलिए यहाँ पे मेरा ड्रोन टोटली फ्लाई हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो टोटली मेरा ड्रोन चले चुका है। दूर यहाँ पे 50 मीटर का रेंज है दोस्तों ZT6P में। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा और भी कितना आपको रेंज भी ना हो दोस्तों, रेंज आपको कितना मिलेगा, कितने हद तक इसका रेंज मिलेगा दोस्तों। अगर आप इसमें लैपटॉप का शेल्फ डाल दो, नॉर्मल शेल्फ नहीं डाल दो, तो मैक्सिमम 500 मीटर से लेके 1000 मीटर तक आपको रेंज मिलेगा दोस्तों, वो भी कम प्राइस में, चीप प्राइस में दोस्तों। 2-3 हज़ार के अंदर आपको 500 से लेके 1000 मीटर का रेंज मिलेगा, प्रोवाइडेशन इतना रहता है दोस्तों इसके अंदर। खाली ये अच्छा वर्क करता है, वर्क करने का ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको फ्लाई साइड ZT6P का ट्रांसमीटर बोलते हैं, आप आराम से ले सकते हो ऑनलाइन से और ऑफलाइन से भी। दोस्तों कैसा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना भाई लोग। दोस्तों इसके अंदर हम लोग कई सारा मॉडिफिकेशन कर चुके थे, जैसे कि आप लैपटॉप का बैटरी भी इसके अंदर अपन अटैच कर चुके हैं, लेकिन ये काफी अच्छा वर्क करता है, अब तक भी काफी अपन को रेंज प्रोवाइड कर सका है। अभी तक मैं इसको लेके कम से कम 2 ईयर्स होगा या 1 मंथ हो चुका होगा, या नहीं तो कम से कम 3 मंथ्स हो चुका है दोस्तों, 3 या 4 महीने हो चुका है, लेकिन अब तक भी बेटा सही चल रहा है भाई, आप ले सकते हो आराम से। आपको इस बाइलिंग डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन खोल के देख लो, मस्त इसका बाइलिंग मिलेगा। अभी से लाइक करना, सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक देखते रहो स्काई ऑप्टिक्स शॉर्ट्स।